हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से। नमस्कार, संगीत प्रवाह वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 11 वर्ष से संगीत प्रवाह वर्ल्ड YouTube पर निशुल्क संगीत की शिक्षा दे रहा है, जिसमें कि सर्वप्रथम मेरे पिता गुरु और इस चैनल के निर्माता पंडित अवध किशोर पांडे, उनका शुक्रिया अदा हम सभी को करना चाहिए। उनकी एक ये धारा है जो उन्होंने शुरू करी, ये प्रवाह संगीत का पूरे विश्व में बहाने का उनका जो संकल्प था, उसे आज हम लोग, उनके शिष्यगण, हम सब पूरा करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज संगीत प्रवाह वर्ल्ड के साथ साथ ही संगीत धारा, म्यूज़िकल बडीज़, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस, द म्यूज़िक फ्लो, ऐसे ही और भी कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आप सभी तक संगीत की निःशुल्क शिक्षा पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। संगीत प्रवाह वर्ल्ड हमेशा से ये कहता आया है, हमेशा से आप सभी को ये प्रेरणा देता आया है कि अगर आपको सीखना है संगीत तो स्वाध्याय कीजिए, तो विधिवत ढंग से आप क्लास ज्वाइन कीजिए, गुरु की संगत कीजिए, गुरु की शरण लीजिए, गुरु से संगीत के संस्कार लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने भी अपने गुरुओं से सीखी, मेरे पिताजी ने भी अपने गुरुओं से सीखी, और हम सभी लोग, आप सभी लोगों तक यही शिक्षा पहुँचा रहे हैं। तो आज जो चीज़ मैं बताने की एक कोशिश है मेरी, कि आप सब लोग कैसे संगीत प्रवाह वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो इस बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और कई जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक दोबारा ये सूचना हो जाएगी कि ऑनलाइन क्लासेस यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू, अगर आप जूम का इस्तेमाल करते हैं या गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं, स्काइप का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम वीडियो क्लास पर, वीडियो कॉल पर हम लोग संगीत को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, अगर दृढ़ निश्चय हो, संकल्प अगर आप कर लें कि हाँ हमें संगीत सीखना है, और जैसा जैसा गुरु बताएं उसको अक्षर सह मान लेना, और उतना ही डिसिप्लिन, उतना ही आपका आत्मविश्वास अगर बनाकर आप संगीत हमारी क्लास से जुड़ेंगे ऑनलाइन, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नामुमकिन सी चीज़ नहीं है कि संगीत ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, बिल्कुल सीखा जा सकता है। ज़रूरत है तो थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़े से डिसिप्लिन, थोड़े से कंसंट्रेशन की और मेहनत की, ढेर सारी, है ना। तो वो चीज़ है। अब ऑनलाइन क्लासेस किस किस प्रकार से हो रही हैं वो भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। संगीत धारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है SPW का, उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उससे कैसे जुड़ सकते हैं, उससे कैसे क्लासेस ले सकते हैं, ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, नहीं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि डिटेल में आप वहाँ जान लीजिए, हर एक सवाल का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। कि फ्री क्लासेस भी होती हैं सैटरडे को, तो वो आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, और भी कई प्रकार के म्यूज़िकल म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स हैं जो उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वरांगिनी हमारी म्यूज़िक बुक है, अगर उसे आप ख़रीदना चाहें तो क्या उसका प्रोसेस है, उसको लेकर भी कई वीडियोस हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा है, उस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्लासेस किस किस प्रकार से हो रही हैं, तो बज़ाहिर सी चीज़ है, दो प्रकार की क्लासेस होती हैं। हम जब स्कूल एजुकेशन भी लेते हैं या कॉलेज एजुकेशन भी लेते हैं, तो ग्रुप में क्लासेस होती हैं, हमारे साथ और भी हमारे सहपाठी होते हैं, हमारे को स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ हम क्लासेस लेते हैं। कई बार ये होता है कुछ बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, या यूँ कहें कमज़ोर नहीं, उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत रहती है, तो वो प्राइवेट ट्यूशन्स भी करते हैं। तो उसी तरह से दो प्रकार के हम लोग भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, एक तो ग्रुप क्लासेस हैं जो संगीत धारा ऐप के थ्रू आप लोग ले सकते हैं। संगीत धारा ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए वहाँ पर, एंड बैचेस अलग अलग बने हुए हैं वहाँ पर, हफ्ते में दो दिन की क्लासेस हो रही हैं, एंड जो आपकी फ़ी है वो भी बड़ी मिनिमल है, बहुत कम फ़ी है जहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं फ़ी बिल्कुल अभी वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जाहिर सी चीज़ें ये रिलीज़ होगा, वीडियो तो हमेशा रहने वाला यूट्यूब पर, और फ़ी चेंज होती रहेगी, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपने वीडियो में तो ये फ़ी बोली थी या बुक की ये प्राइस बोली थी, तो अब ये क्यों है। तो वो आप जो कांस्टेंट, जो अपडेटेड चल रही है, वो आप व्हाट्सएप से पता कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप क्लासेस होती हैं जिसमें हफ्ते में दो दिन की क्लासेस होंगी, घंटे घंटे भर के सेशन है, घंटा डेढ़ घंटे का सेशन है वो, दैट्स वेरिएबल, है ना, निर्भर करेगा वो। और अभी जो फिलहाल की अगर स्थिति बताऊँ, ये जो वीडियो रिलीज़ हो रहा है उसके हाल में,
तो 15 से 20 स्टूडेंट्स आप मान के चलिए, 20 तो अभी मैक्सिमम नहीं हमने बैच बनाया है 20 का, बट हाँ 10 से 15 का एक बैच बन रहा है ग्रुप क्लासेस का, और उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। और आपके अलग अलग बैचेस हैं, दिन में है, दोपहर में, सवेरे है, दोपहर में और शाम में है। अभी जो टाइमिंग चल रहे हैं वो सवेरे 8 बजे हैं, दोपहर 12 बजे और शाम में 6 बजे हैं। ये 3 टाइमिंग पे आप लोग क्लासेस जुड़ सकते हैं, क्लास से जुड़ सकते हैं अलग अलग बैच लेकर। अब आते हैं कि जिन बच्चों को ग्रुप क्लासेस में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ग्रुप में बज़ाहिर सी चीज़ है हर व्यक्ति पे पर्सनल उतना ध्यान दे पाना टीचर के लिए भी मुश्किल है और स्टूडेंट के लिए भी वो कोप अप कर पाना कि बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं और हम कैसे करेंगे, अगर थोड़ी दुविधा आती है तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। प्राइवेट क्लासेस भी देते हैं हम लोग, जिसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरी दोनों सिस्टर्स एंड डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर हिमजा, डॉक्टर हरिजा, मैं खुद और मेरे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे, भव्यन खोखावत, ये हमारे एक और शागिर्द हैं संगीत प्रभाव के ही, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज संगीत धारा ऐप पर सिखा रहे हैं। उनकी पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं अगर आपको वन ऑन वन सीखना है, और ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अब देखिए, हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। ग्रुप क्लासेस के अगर ये एक छोटा सा नुकसान होता है कि भाई पर्टिकुलर उस स्टूडेंट पर ध्यान नहीं जाता है, तो हम इस चीज़ का पर्टिकुलर ध्यान रखते हैं कि हर स्टूडेंट को टाइम दिया जाए उतना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी यही रहती है कि उस स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को उतना टाइम दिया जाए, हर स्टूडेंट से बात की जाए, हर स्टूडेंट का होमवर्क चेक किया जाए, उसको बताया जाए कि क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, पूरा विद डेडिकेशन हम लोग वहां ऑनलाइन सिखाते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जैसी उमूमन होती है हमारी क्लासेस वैसी नहीं है, हम बाकायदा बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, आपके पास PDFs आती हैं, आपके पास वॉइस नोट्स आते हैं, आपके पास अलग अलग यूट्यूब के लिंक्स आते हैं, जो हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट आती हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हैं तो उसके दरमियान बीच में हम बातचीत नहीं कर सकते, हम वो भी हेल्प आपको प्रोवाइड कराते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आपको ऑडियो विजुअल या रिटर्न जैसा भी फॉर्म में आपको हेल्प चाहिए, हम पूरी हेल्प वहाँ देते हैं। और यही चीज़ हम वन ऑन वन क्लासेस में भी कर रहे हैं। वन ऑन वन में ये सुविधा एक और है आपको कि वो रोज़ाना से लेकर हफ्ते में 1 दिन तक इतने सारे बैचेस हमने बनाने की प्रयास किए हैं, क्योंकि ग्रुप क्लासेस तो जाहिर सी चीज़ें हैं, उसका समय भी निश्चित है। अब आपका समय थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसके लिए हम पूरे ग्रुप का टाइमिंग नहीं बदलेंगे, वो देखेंगे अगर पूरे ग्रुप को चाहिए कि ये टाइम ये वाला नहीं सूट कर रहा है, चेंज करना है ना। कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो ग्रुप क्लासेस और सोलो क्लासेस में होती है, तो वही कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेज हैं। अब सोलो क्लासेस में एक ये बेनिफिट और है कि मान लीजिए कभी समय का हमें थोड़ा सा बदलाव करना है कि आज सवेरे नहीं लेनी, दोपहर में लेनी, दोपहर में नहीं शाम में लेनी, मुझे कुछ काम आ गया, आपको कुछ काम आ गया, जाहिर सी चीज़ें प्राइवेट ट्यूशन होती हैं जैसे, तो वो भी एक सुविधा इसमें मुमकिन है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि ज्यादा है ना, वो हम आपस में बातचीत करके एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रुप क्लासेस का ऐसा है कि उसमें ये चीज थोड़ी सी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बजाहिर है कि और भी स्टूडेंट्स हैं तो सबका देखना पड़ता है। एक पर्सनल क्लासेस में ये थोड़ी सी सुविधा हमने रख रखी है कि कुछ क्लासेस अगर मिस हो जाएं, जैसे मेरी तरफ से अगर टीचर एब्सेंट है, तो हम उसे रिपीट भी कर सकते हैं, हम उसे रिकवर भी कर सकते हैं उन क्लासेस को, वो भी मुमकिन है। तो हफ्ते में 1 दिन से लेकर फिर हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और फिर पूरा हफ्ता, इस प्रकार से भी हमने क्लासेस का निर्माण किया हुआ है। अब ये तो कुछ बातें हो गई मोटी मोटी, अब इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वगैरह वगैरह वो आप व्हाट्सएप पर जान ही सकते हैं, बट उसकी चर्चा मैंने सोचा एक बार आपके साथ कर दूँ यहाँ पर। अब इसमें एक ख़ास चीज़ जानने की ये है, जैसा कि हमने हमेशा कहा है कि संगीत में निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप निरंतर क्लास ज्वाइन करेंगे, रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे, तो ही आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, जल्दी से जल्दी आप सीख सकेंगे, है ना। ये जो सवाल रहता है कि जल्दी से संगीत कैसे सीखें, तो जल्दी से संगीत सीखने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है संगीत को, है ना, क्योंकि घर पर हम उतना प्रयास करते नहीं हैं, तो जितना प्रयास हो सके हमारा क्लास में ही हो जाए, है ना, जो होमवर्क है क्लास वर्क है उधर ही अगर निपट जाए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि घर जाके बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो संगीत को टाइम देते हैं, वक्त दे पाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसीलिए प्रयास किया कि वन ऑन वन जो क्लासेस हैं उसको रेगुलर से शुरू किया जाए, और मिनिमम टाइम अगर देना है तो हफ्ते में 1 दिन का टाइम अगर आप दें तो बेहतर होगा, है ना। ये क्लासेस का टाइम भी वेरी कर सकता है, फिलहाल घंटे भर का भी है, 40 मिनट का भी हो सकता है ना, ये जो भी स्ट्रक्चर है ये बदलता रहेगा, लेकिन हाँ ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मोटी मोटी जो समान रहेंगी, तो वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश जो है मेरी रही है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन क्लासेस, मैं यही आपसे दरखास्त करूंगा। यूट्यूब वीडियोस देख के हम सीख सकते हैं, देखिए वैसे तो हमने यूट्यूब पर भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हर विषय को लेकर डिटेल में, लय ताल हो, मॉर्निंग वोकल रियाज हो, हारमोनियम के लेसन हो, हारमोनियम टेक्निक्स हो, कथक क्लासेस हो, तबला क्लासेस, ढोलक क्लासेस, गिटार क्लासेस, वायलिन हो, फ्लूट हो, सितार हो, ऐसा कोई विषय हमने बहुत मुश्किल से ही छोड़ा है जो आप तक नहीं पहुंचा पाए हों, है ना। हमसे हर कोशिश करिए, इंग्लिश में हमने लेसन्स बनाए हैं, हिंदी में हमने लेसन्स बनाए हैं, हर प्रकार के लेसन्स अवेलेबल हैं,
यू नो बड़े बड़े प्रैक्टिकल वीडियोज़ हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट ट्यूटोरियल्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, सब हमने यूट्यूब पर दे रखा है। तो चाहें तो आप वहाँ से भी पूरा संगीत सीख सकते हैं, और चाहें तो एक गाइड की, एक रहबर की मदद लेकर उस राह पे चल के मंजिल तक पहुँच सकते हैं, है ना। जाहिर है एक गाइड की आवश्यकता रहती है, जब तक कि आप यू नो सेल्फ नहीं आप करने लग जाएं, सेल्फ डिसिप्लिन में आपके अंदर ना डेवलप हो जाए, या फिर आपको किसी की मदद की आवश्यकता तब नहीं पड़ेगी जब आप सक्षम हो जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने हमेशा से वो जो कॉलेज लर्निंग और स्कूल एजुकेशन का डिफरेंस बताया ही है कि स्कूल एजुकेशन में रोज़ाना क्लास जाना पड़ता है, फिर धीमे धीमे आते आते बच्चे में एक क्षमता हो जाती है कि वो खुद से घर बैठे जो है अपनी पढ़ाई कर सकता है, उसे रोज़ाना जाने की आवश्यकता नहीं है, गाइडेंस की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो यही क्लासेस का पैटर्न हमारा भी रहता है कि शुरुआत में तो आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप चाहें तो आप वो क्लासेस का टाइम घटा सकते हैं, इसीलिए हमने रोजाना से लेकर हफ्ते में एक दिन तक की क्लासेस रखी हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या पैटर्न है, और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, आप संपर्क कर सकते हैं। सो आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है, और हम लोगों को इस काबिल समझा आप लोगों ने कि हम आप सभी तक संगीत की जो शिक्षा है वो पहुँचा सकें। आप सभी का शुक्रिया।